हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ ट्रेनी के स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसी स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि लीगल प्रॉब्लम है, उसी लीगल प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आज जो मैंने लीगल प्रॉब्लम लिया है दोस्तों, वो इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि आज 17 तारीख है और कल के डेट में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे, अपना समय रहते आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि कल जहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, मीन्स कि प्रयागराज में, बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में, वहां पे कल मैं आप लोगों के लिए मौजूद रहूंगा। अगर जिसको भी मुझसे मिलने की इच्छा हो वो कल मुझसे मिल सकता है। अगर किसी को लगता है कि मैं कैसे मिलूंगा, मैं कैसे आपको पहचानूंगा, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर 9648438343, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे आज ही हमसे शाम को बात कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो जाए, या फिर कल आप हम लोगों से बात करिएगा। कल मैं वहाँ पे आप लोगों से एग्जामिनेशन सेंटर पे डेफिनेटली मिलूँगा और आगे की चर्चा करूँगा कि कैसे आपको अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन था। अब इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम आंसर को देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लीगल प्रॉब्लम से बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते हैं वे किन परिस्थितियों में सुसंगत हो जाते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए कि अगर किसी तरह से सुसंगत नहीं है, मीन्स कि रेलिवेंट नहीं है, तो वो कैसे सुसंगत हो जाते हैं, कैसे रेलिवेंट हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को, इसी को इंग्लिश में पूछा है कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पे यहाँ पे और लगाया है, मीन्स कि सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही सेक्शन से रिलेटेड है। अब कैसे पूछ रहा है, कह रहा है तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम इररेलेवेंट। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन आया था। जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो क्वेश्चन के आप रेंज को अपने माइंड में ही एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो यहाँ के बीच से कहाँ से कौन सा सेक्शन यहाँ पे ऑप्ट कर लेंगे कि हमारा पूरा आंसर अच्छे से लिखा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में ही फ्रेम करना होगा। और आप लोगों के पास यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में अप्रोप्रिएट टाइम होगा, आप लोगों को अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना होगा। जो भी आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, दो ही चीज़ लिखने के लिए आएगा, एक लीगल एसे लिखने के लिए आएगा और एक लीगल प्रॉब्लम लिखने के लिए आएगा। तो आप लोगों को अपना टाइम का यूटिलाइज भरपूर करना है। देखिए आंसर कैसे आप लिखेंगे, कह रहा है अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों, तो प्ली ऑफ एलिबी के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है जब आप सेक्शन नंबर 11 इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स की भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जब आप ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है निम्नलिखित दो परिस्थितियों में सुसंगत होते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंतर्गत उनको रेलेवेंट माना जाता है, सुसंगत माना जाता है। कह रहा है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, या किसी विवादक तथ्य के या किसी सुसंगत तथ्य से क्या है, असंगत है, असंगत का मतलब इररेलेवेंट है, तो ये विवादक तथ्य माने जावेंगे। सेकंड कह रहा है यदि वे ऐसे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अंधिसंभाव्य बना देते हैं तो वे विवादक तथ्य के रूप में उनको माने जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को देखिए और आप ऑब्जर्व करिए कि ये उदाहरण कह क्या रहा है, इस उदाहरण में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। कह रहा है प्रश्न यह है कि क्या ऑन ने अमुक दिन बम्बई में अपराध किया। एक ऑन नामक व्यक्ति है, किसी एक सेवरल डे को, किसी एक डे को उसने कोई ऑफेंस किया। यह तथ्य कि और उस दिन प्रयागराज में था सुसंगत है, ये बात सुसंगत है, रेलिवेंट है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय वह उस स्थान से इतनी दूर था कि और द्वारा अपराध किया जाना संभव नहीं था। तो ये सारी बातों को आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है, आपको देख करके ये समझ में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का ऑफेंस नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई विदेश में आदमी है और मैं यहाँ पे प्रयागराज में हूँ, कोई आया मेरे साथ किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया और मैं कहूँ कि नहीं वही व्यक्ति ऑफेंस किया है, वो विदेश से आया है मेरे साथ ऑफेंस करके, लेकिन वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे आने जाने की सुविधा क्या है। तमाम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कोर्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। जैसे कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं वो व्यक्ति क्या कर सकता है, एक ही दिन में आ करके ऑफेंस कमिट करके जा भी सकता है, तो कोर्ट वहाँ पे उसको पनिश करेगा। अगर कोर्ट को आप लॉ को लगता है कि नहीं ये इस प्रकार का ऑफेंस
कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन में आदमी आ ही नहीं सकता है और ऑफेंस करके जा ही नहीं सकता है, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ आपको नहीं रिलीफ देगी। कर रहा है धारा 11 दो खंडों को निर्धारित करती है या उन दो परिस्थितियों को बताती है जिनमें असंगत तथ्य भी सुसंगत होते हैं। पहला क्या बता रहा है दोस्तों, कह रहा है विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से असंगत तथ्य, मीन्स कि रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब क्या आगे कह रहा है, कह रहा है प्रथम नियम यह है कि क्या प्रथम नियम यह है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हो जाएंगे यदि वे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। अगर किसी भी प्रकार से असंगत होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो सुसंगत हो जाते हैं। एक तथ्य को दूसरे तथ्य से असंगत होना तब कहा जाता है जब वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर एक साथ कोई भी तथ्य नहीं रह सकता तो उसको असंगत हम लोग मानते हैं। अर्थात एक तथ्य को अस्तित्व एक तथ्य का अस्तित्व साबित हो जाता है तो दूसरे को न साबित माना जाएगा। अगर एक फैक्ट पहले से अपने आप प्रूफ हो जाएगा तो दूसरे को न साबित मान लिया जाएगा, मींस कि पहला प्रूफ नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं प्रूफ होगा, अगर पहला प्रूफ हो जाता तो दूसरा भी प्रूफ हो जाता है। सेकंड में कह रहा है कि सामान्यतः निम्नलिखित 5 प्रकार के मामले इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से 5 प्रकार के मामले आते हैं, तो साथियों पहला कह रहा है अन्यत्र उपस्थिति, प्ली ऑफ एलिबी की बारे में बात करते हैं जो कि सेक्शन नंबर 11 के साथ हमारा डील कर रहा है। कह रहा है अन्यत्र उपस्थिति, आरोपी का घटना स्थल से अत्यंत मीन्स कि अन्य स्थान पर होने की बात कर रहा है। सेकंड में कह रहा है बच्चे को अवैध दिखाने के लिए पति का स्त्री इस पत्नी के पास जाने का अभाव, ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट में आपको शो कर रहा है कोई व्यक्ति, कह रहा है कोई व्यक्ति जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह मृत है उसके जीवित होने का साक्ष्य के बारे में, अगर इस प्रकार का प्रिजम्पशन दिया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है स्वयं द्वारा अपने को शारीरिक क्षति पहुंचाना, तो ये सभी उसी के कैटेगरी के अंतर्गत फॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए साथियों, सेकंड पॉइंट में कह रहा है अत्यंत अधिसंभाव्य या अंधी संभाव्यता, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा है। कह रहा है यह विवादक तथ्य के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रभाव डालता है, ये दोनों फैक्ट्स को एनालिसिस करता है पॉजिटिवली और निगेटिवली। इसके अत्यंत शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जिस सांपार्श्विक तथ्यों को साबित करना अपेक्षित है उसका संबंध विधिक तथ्यों से इतना निकटवर्ती होना चाहिए, मीन्स कि जो विधिक तथ्य इतना निकटवर्ती होना चाहिए कि उससे साबित होने पर विवादक तथ्य का अस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य पर अंधिसंभाव्य हो जाए, ये बात आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने किस प्रकार से अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है देखिए, कर संस्वीकृति क्या है, संस्वीकृति साक्ष्य में कब ग्राह होता है, व्हाट इज कन्फेशन, व्हेन कन्फेशन इज एडमिसेबल इन एविडेंस, क्वेश्चन पे फिर और लगा है। हम कई प्रकार से आपके क्वेश्चन को यहाँ पे शो करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृति होती हैं परंतु सभी स्वीकृति संस्वीकृतियाँ नहीं होती हैं, विवेचना कीजिए। ऑल कन्फेशन आर एडमिसेबल बट ऑल एडमिसेबल आर नॉट कन्फेशन, कमेंट्स करना है और यहाँ पे लगाया है। फिर नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है संस्वीकृति किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में कोई संस्वीकृति ग्राह या अग्राह होती है, व्हाट इज कन्फेशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द कन्फेशन एडमिसेबल और इनएडमिसेबल्स की बात कर रहा है। तो आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया, जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिए तो अब यहाँ पे धीरे धीरे आंसर को भी आप ऑब्जर्व करते हुए चले कि जब आपके एग्जामिनेशन में लीगल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से टैकल करेंगे। कर रहा है संस्वीकृति की परिभाषा, संस्वीकृति अपराध की संस्वीकृति या जुर्म का इकबाल है। संस्वीकृति मीन्स की कन्फेशन क्या होता है, जुर्म को कबूल करना कि हाँ ये ऑफेंस मेरे ही द्वारा कमिट किया गया है, इसका इकबाल करना, ये उर्दू शब्द है इसका इकबाल करना। इस शब्द को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। जब आप इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, जब वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये संस्वीकृति शब्द की परिभाषा को आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। कर संस्वीकृति से संबंधित सभी उपबंधों को संस्वीकृति में ही दिया गया है। संस्वीकृति की परिभाषा स्वीकृति पर भी लागू होती है, मीन्स जो संस्वीकृति की परिभाषा होता है वो स्वीकृति पर भी लागू होती है। यदि वह सिविल कार्यवाहियों में की जावे तो वह स्वीकृति कहलाती है, यदि वह आपराधिक द्वारा अपराध के संबंध में की जाती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह संस्वीकृति कहलाती है। दोनों चीज़ों के बारे में आपने ऑब्जर्व कर लिया कि किसको हम लोग स्वीकृति कहते हैं, किसको संस्वीकृति कहते हैं। यहाँ पे केस लॉ है दोस्तों, केस लॉ में कह रहा है साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 का एक मामला आया था और इस मामले में क्या कहा जा रहा है कि वाद में कहा जाता है कि कथन एक जाति है, स्वीकृति उसकी उपजाति है, स्वीकृति की अनुजाति है। ये सारी बातों को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मीन्स जैसे हम लोग
इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जीनिस एंड स्पीसीज को ऑब्जर्व करते हैं, सेम एज यूजल यहाँ पे उसको जीनिस एंड स्पीसीज के रूप में यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक हमारे पास रेलिवेंट केस लॉ आता है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में कोट करने के लिए आता है जब हम कन्फेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखते हैं। पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट 1939 का ये मामला है। में प्रीवी काउंसिल ने स्वीकृति संस्वीकृति शब्द के बारे में कहा कि कोई भी कथन जिसमें प्रमाणकारी बल हो, क्या हो साथियों, तो प्रमाणकारी जिससे साबित होने का बल हो, स्वयं को निर्दोषकारी बताने वाली बातें संस्वीकृति नहीं हो सकता। यदि निर्दोषकारी कथन ऐसे तथ्य का है जो सत्य होने पर संस्वीकृति अपराध को प्रभावहीन कर देगा और फिर संस्वीकृति में या तो अपराध का दिया जाना स्वीकार किया गया होगा या कम से कम उन तथ्यों को स्वीकार किया गया होगा। किस तथ्यों को साथियों, तो जो भी तथ्य होंगे उन तथ्यों को स्वीकार किया गया होगा जो अपराध गठित करते समय होंगे। अब संस्वीकृति के तत्व को देख लीजिए कि संस्वीकृति के कौन कौन से आवश्यक तत्व हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कन्फेशन आप देख लीजिए, पहला करा वह अभियुक्त के द्वारा की गई हो, पहली बात तो करा वह अभियुक्त के द्वारा की गई हो, दूसरा करा उसने अपने अपराध को स्वीकार किया हो, तीसरा करा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, चौथा करा वह स्वैच्छिक रूप से की गई हो। तो तमाम चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करते चले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और केस लॉ आता है और ये केस लॉ आ रहा है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1952 का ये मामला है कि मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संस्वीकृति या तो अपराध के बारे में की जानी चाहिए या सार रूप में अपराध का गठन करने वाले तथ्य से संबंध में अपने आप को निर्दोषित बताने वाले कथन संस्वीकृति माना जा सकता है। देखिए संस्वीकृति के दो प्रकार के होती हैं। अब कौन 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 सी संस्वीकृति हो सकती हैं, तो पहला यहाँ पर देखिए कर है न्यायिक संस्वीकृति जिसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन के नाम से जानते हैं और सेकेंड कर है न्यायिकेतर संस्वीकृति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के नाम से जानते हैं। अब न्यायिक कन्फेशन क्या होता है दोस्तों, कर है न्यायिक स्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। जो न्यायिक संस्वीकृति होती है मजिस्ट्रेट साहब उपस्थित होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब के सामने हम क्या करते हैं जबकि मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष की जाने वाली स्वीकृति न्यायिकेतर संस्वीकृति कहलाती है। तो आप इसी प्रकार के डिफरेंस को भी लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। कह रहा है कैन अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, इसी क्वेश्चन को और करके पूछ रहा है। और में क्या कर रहा है दोस्तों, तो कह रहा है धारा 27 की प्रकृति धारा 25 एवं 26 परंतु के रूप में व्याख्या कीजिए। सेक्शन 27 इज इन द नेचर ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26, कमेंट करके इसको आपको बताना है। अब क्या आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जा सकेगी, किसी भी अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जा सकेगी। इस प्रकार अभियुक्त को पुलिस की यातना से बचाने का प्रयत्न किया गया है। क्या किया गया साथियों, तो पुलिस की यातना से बचाने का प्रयत्न किया गया है। यदि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत होती है तो अभियोजन पक्ष को सफल बनाने के लिए प्राय जो अभियोजन पक्ष होता है उसको सफल बनाने के लिए प्राय सभी मामलों में पुलिस निम्न कोटि के साधन थर्ड डिग्री का मेथड का प्रयोग करती है। आप लोगों को जाहिर से पता है कि किसी भी बात को अगर उगलवाना है, अगर पुलिस को कह दिया जाए कि आपको इस बात को इस अपराधी से उगलवाना है, तो वो क्या करेगी, वो उसको टॉर्चर करेगी, मीन्स कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेगी। और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके क्या करेगी, अगर वो नहीं भी बेचारा वो किया रहेगा ऑफेंस, तो वो भी पिटाने के डर से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसी से रिलेटेड एक केस ला आता है, रमेश चंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट का मामला आता है, वेस्ट बंगाल का 1970 का। के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त होने के पूर्व पुलिस के प्रति की गई संस्वीकृति भी स्वीकृति नहीं होती है और अभियुक्त होने के बाद पुलिस से की गई संस्वीकृति अवैध मानी जाती है। अगर पुलिस के को आप स्वीकृति दे रहे हैं तो इस स्वीकृति को क्या माना जाता है, अवैध स्वीकृति माना जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में दी गई स्वीकृति की ग्राह्यता के बारे में देखिए कि क्या जो पुलिस कस्टडी में हम लोग जो स्वीकृति देते हैं उसकी क्या रेलिवेंसी होती है, उसकी क्या ग्राह्यता होती है, उसके बारे में भी आप जानिए। कह रहा है धारा 25 तथा 26 यह कहता है कि पुलिस को दी गई या पुलिस अभिरक्षा में दी गई स्वीकृति सुसंगत नहीं है। वही धारा 27 में इसके अपवाद स्वरूप यह कहा गया है यदि किसी अपराध के अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई ऐसी जानकारी दी है जिससे पुलिस ऑफिसर ने अपराध से सुसंगत किसी तथ्य का पता लगाया है तो
उस जानकारी का यह कथन चाहे वो स्वीकृति की कोटि में ही क्यों ना आता हो, उतना भाग उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है साथियों, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स की बात कर रहा है, और वही डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे पुलिस अभिरक्षा में है, वो कह रहा है कि साहब मैं उस चाकू को दिखा दूंगा जिस चाकू से मैंने उसका मर्डर किया, मैं उस गन को भी दिखा दूंगा जिस गन से मैंने मर्डर किया, और ये फॉल कहाँ करेगा, सेक्शन नंबर 27 के अंतर्गत। और इसको क्या कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जब डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट होता है तो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस भी कर सकती है। मेरा नंबर यहाँ पे भी दिया है, आपको नंबर ना मिले तो यहाँ पे भी नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। करें धारा 27 की अपेक्षाएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 27। फर्स्ट दे रहा है अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से तथ्य का पता चलना, पहला बात कर रहा है। सेकंड कर रहा है सूचना देने वाले व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। तीसरी बात कर रहा है उसे पुलिस अभिरक्षा में भी होना चाहिए। चौथी बात कर रहा है पता चला हुआ तथ्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। और यहाँ पे एक हमारे पास लास्ट केस आ रहा है, पुलकुरी कोटैया बनाम आर, 1947 का मामला है। और इस मामले में देखिए क्या करा है के बाद में प्रीवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त के कथन के केवल उतने भाग को धारा 27 के तहत साबित किया जा सकता है जो अस्पष्टता बरामद तथ्य से संबंधित हो, कथन के शेष भाग को साबित नहीं किया जा सकता है। मींस कि अगर पुलिस कस्टडी में रह करके भाई साहब ने किसी भी प्रकार का कन्फेशन किया है तो पुलिस को किया गया कन्फेशन को क्या किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उसने सेक्शन नंबर 27 का इस्तेमाल किया है, अगर उसने डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट करवाया है, तो सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को क्या किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाया जा सकता है और इसकी रेलेवेंसी वहाँ पे होगी। तो साथियों ये सेशन था, इस सेशन में मैंने जो भी हो सका, जो भी क्वेश्चन बन सका, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। साथियों कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, और आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एग्जामिनेशन धूमधाम से दीजिएगा। फिर लास्ट में आप लोगों से या फिर मॉर्निंग में भी जैसा भी पॉसिबल हो सके, जैसा भी आप लोगों का कमेंट आएगा, जैसा भी फ़ोन आएगा, कल मैं 9:30 तक सेंटर पे आप लोगों के मिलूंगा। तो कल मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।